बच्चों, क्या हालचाल आपके? कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है ये चैप्टर बहुत प्यारे तरीके से आपका चल रहा है, आपको अकाउंट्स पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। देखो, आज की क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास की बातों को कंटिन्यू करना है। हमने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था कि चेंज इन रेशियो एंड गुडविल का ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि देखो, पास्ट में जो एफर्ट लगा है उसका जो बेनिफिट फ्यूचर में आएगा, अगर हम उस झगड़े को ना ख़त्म करें तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएंगे। इस पूरे चैप्टर को पढ़ते समय एक ही बात हम ध्यान रखेंगे कि हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पार्टनरशिप के अंदर में कोई झगड़े जो क्रिएट हो सकते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में बोलेगा, कभी कभी नहीं बोलेगा। बोले तो भी झगड़े ख़त्म करना, ना बोले तो भी ख़त्म करना है। ये जो सेंटेंस अभी बोला मैंने, बोलेगा तब भी ख़त्म करेंगे, ना बोलेगा तब भी ख़त्म करेंगे, इसका क्या मतलब होता है अपने आप आगे आपको पता चलते चला जाएगा। आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला, जो पिछली क्लास में हमने बातें सीखी थी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाऊंगा। और हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक से मिलता जुलता है, मैं उस दोनों को अब अपने साथ मिला लूँगा, मतलब कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला दोनों अब यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। इतना ही आज का काम है। आइए इसी प्रोसेस में हम एक काम करते हैं, पहले आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा चैप्टर जो चल रहा है मेरे बच्चे, वह है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज होगा, हम उसके बारे में यहाँ पे आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना? आओ ना, एक काम करते हैं, हमने सेकेंड क्वेश्चन में पिछली क्लास को एंड किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ देखेंगे क्या बता रहा है आपका। जरा पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सोहन एंड राम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दो पार्टनर हैं। ऐसे ही मुझे मन करता है कभी शॉर्ट करने का क्वेश्चन का, तो कहता है कि एक सोहन है और दूसरा कहता है कि राम है, इनके बीच का प्रॉफिट रेशियो कहता है कि 3:2 का है। यही बोला था ना, 3:1 का आपका। तो बच्चे, इनका रेशियो जो है 3:1, यानी कि पूरे प्रॉफिट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट सोहन का, 1 पार्ट राम का, ऐसा होता है। उनका कैपिटल आपको बता रहा है 60,000 एंड 40,000। ये तो आपका रेशियो हो गया इनका प्रॉफिट का, और कैपिटल जो है इन लोगों का बता रहा है 60,000 एंड 40,000, यानी कि इनका बिजनेस में इतने इतना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है। फिर कहता आगे पढ़ना कि एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, फर्स्ट अप्रैल से मेरे बच्चे, इट वॉज अग्रीड टू चेंज प्रॉफिट रेशियो टू 3:2। अच्छा, यानी कि जो पहले रेशियो था, ये कहता है कि भैया ये आपका रहा 1 अप्रैल 2018, इसके पहले कहता है कि रेशियो आपका 3:2 का था, इसके बाद कहता है कि रेशियो आपका 3:1 हो जाएगा। उल्टा बोल दिया हमने, पहले 3:1 था, अब कहता है कि यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। मतलब पहले प्रॉफिट को हम 4 टुकड़ों में डिवाइड करते थे, 3 टुकड़ा आपका सोहन का और एक राम का होता था, अब प्रॉफिट को 5 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, 3 पार्ट्स बिलोंग्स टू सोहन एंड 2 पार्ट्स बिलोंग्स टू राम आपका, ऐसा बोलता है। आगे पढ़ना, कहता है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट। पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके कहता है कि आप गुडविल निकालेंगे। मतलब आप देखो पिछली क्लास में और आज की क्लास में क्या फ़र्क है। मेरे बच्चे, पिछले क्लास तक में जब हम गुडविल को वैल्यू किए थे, गुडविल की वैल्यू आपका दिया रहता था, आज की क्लास में कहता है कि गुडविल की वैल्यू आप निकाल दो, तो हम देख लेंगे। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। बोलता है कि आप एंट्री करके दिखाओ, इट्स वेरी सिंपल। मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपका गुडविल की वैल्यू होगा, ये वैल्यू पिछली क्लास तक मैं बताया करता था, आप कहता कि आप खुद निकाल लो, तो मैं काम करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ निकालना। जल्दी से बताओ क्वेश्चन को पढ़ के कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया मेरे बच्चे, मैं उनको लिख दूँ यहाँ पे। पहले साल में कहता है आपका 30,000 का अमाउंट है, पहले साल में कहता है कि 30,000 का अमाउंट है, दूसरे साल में कहता है आपका यहाँ पे 40,000 का अमाउंट आपका है, 40,000,
तीसरे साल में कहता है आपका यहाँ पे 50,000 का अमाउंट है, 50,000। फोर्थ ईयर में कहता है कि 60,000 का अमाउंट आपका है, और फिफ्थ ईयर में कहता है कि 70,000 का अमाउंट आपका है, 70,000 का। ये फाइव ईयर्स का आपका हो गया। आप इनको क्या करो, फाइव से डिवाइड कर दो, है ना। ये तो आप जानते ही हो कितना हो जाएगा जी, 70 एंड 70 140 2 250, ये 50,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट जो आपका है ये कितना निकल के आ गया, 50,000। अब मेरे बच्चे अगर हमें गुडविल को निकालना है, अगर हमें गुडविल को निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 50,000 मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेज प्राइस, एंड क्वेश्चन के अंदर में जो आपका ईयर्स परचेज प्राइस है वो आपको कितना दिया हुआ है जी, 3। आप पढ़ो ना, 3 कहता है, यानी कि 1,50,000 का अमाउंट निकल के आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल आपका, गुडविल हमारा निकल के आ गया 1,50,000। तो ये 150 का अमाउंट आ गया बच्चे गुडविल का आपका यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहले गुडविल की वैल्यू दी रहती थी, इस बार क्या किया हमने, इस वैल्यू को पता किया, ये 150 का अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है ना। मेरे पास जगह कम है, आप कहो तो, या चलो कोई बात नहीं, आप लिख लो यहाँ तक आपका, या मैं इसको मिटाई देता हूँ, मैं मिटाई देता हूँ यहाँ पे और कुछ अच्छी बातें करता हूँ। मुझे एक्चुअली ये गुडविल निकालना था जो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया आपका, ये हो गया बच्चों। सर हाँ सर, आगे बढ़ो, लो हमने काम पूरा किया। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में ये जो आपको कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है इसका कोई यूज नहीं है। आप खुद देखो, जब हम झगड़े को ख़त्म करते हैं, झगड़े को ख़त्म करते हैं तो बस हम लोग क्या देखते हैं, भैया ये 1,50,000 किस रेशियो में आपने कमाया था और किस रेशियो में आप विड्रॉ करोगे, इसके बीच के घाटे फायदे को बस हम एडजस्ट करते हैं। पता आपको ना सर, हाँ सर, तो मुझे इसका कोई रिक्वायरमेंट रहा नहीं। अब एक काम करते हैं, सारी बातें मैं यहाँ लिख चुका हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एडजस्टमेंट एंट्री का वर्किंग नोट्स करना। लिखिए आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स, कह दो इसको आप वर्किंग नोट्स आपका, मैं दिखाऊं। जरा बताओ क्या पार्टनर्स के नाम थे यहाँ पे, सर सोहन एंड राम। तो देखो यहाँ पे एक आ गया, हमने लिखा सोहन, और एक लिखा हमने यहाँ पे राम। आप जानते हैं इस 1,50,000 रुपए को सोहन और राम ने इस रेशियो में कमाया था। तो हमने कहा था पिछली क्लास में, ओल्ड पार्टनर्स जो भी बिजनेस में हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपने करना है क्रेडिट। क्रेडिट करने का मतलब होता है कि इतना इतना हम लोगों ने कमाया है। इस 150 में हमारी हिस्सेदारी जो है वो 3:1 में तय होती है। तो जरा बताओ 3:1 में कितना निकल के आपका आ गया, आओ देखते हैं आपका 1,50,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटू आपका 3। बच्चे ये 1,12,500 का अमाउंट निकल के आ रहा आपका, ये आपका सोहन का हो गया। अगर मैं राम की बात करूँ तो राम का यहाँ पे 37,500 का अमाउंट हो गया। मेरे बच्चे इस 150 को इस रेशियो में हमने कमाया था, हमने मेहनत की थी, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में ये क्या होगा, जो न्यू पार्टनर्स हैं ये इसको न्यू रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि आप उसको डेबिट कीजिए। डेबिट मतलब कितना कितना आप घर लेके जाएंगे। तो चलो बताओ 150 अगर हम 3:2 में करें तो डिवाइड बाई 5 इंटू आपका 3, ये आ गया 90,000 का अमाउंट, ये 90,000 का, और ये आपका 60,000 का अमाउंट निकल के आ गया, 90 एंड 60। देखो ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, जरा सुनो मेरी बात, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सोहन की जो हिस्सेदारी थी ना बच्चे, इस 150 में सोहन का शेयर इतना था, लेकिन अब उसको इतना मिलेगा, तो फ्यूचर में इसको लॉस होने वाला है। जितना लॉस होने वाला है आज उसको दे दो, ये 22,500 हमें इसको देना होगा, यानी कि इसके अकाउंट में प्लस करना होगा, समझ लो। 90 तो आगे आपको मिल ही जाएगा, इतना आज मैं दे दूंगा ताकि टोटल शेयर बन जाए, और आपका जो 37,500 था आप फ्यूचर में इतना विड्रॉ करोगे, आपको गेन होगा। तो जितना गेन होगा उतना आप ला के आज दे दो, तो इनके अकाउंट से क्या करेंगे, 22,500 हम विड्रॉ कर लेंगे मेरे बच्चे, विड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपको जर्नल एंट्री कह दे पास करने के लिए, एडजस्टमेंट एंट्री कह दे पास करने के लिए, या फिर टेबल एंट्री, सबका मीनिंग सेम होता है, हम राम के कैपिटल से, राम्स कैपिटल अकाउंट, राम का जो कैपिटल अकाउंट होगा हम उसमें से 22,500 माइनस कर लेंगे,
और ये पैसा हम क्या करेंगे, सोहन को दे देंगे, टू सोहन कैपिटल अकाउंट, टू सोहन कैपिटल अकाउंट। आपका कितना हो गया 22,500 का अमाउंट। लीजिए काम पूरा हो गया। तो राम अकाउंट डेबिटेड टू सोहन कैपिटल अकाउंट, ये हमने एंट्री यहाँ पे कंप्लीट किया। आप प्लीज कॉपी कर लो इसको, आप कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। देख लो क्वेश्चन के अंदर में अक्सर देखा गया है एग्जाम में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट तुमने क्यों बताया, हमें परेशान करने के लिए? वो सोचते हैं ना ये नादान बच्चे हैं, इनको तो कुछ आता नहीं है, थोड़ी सी बात इधर उधर करेंगे और बच्चे फंस जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता ये बच्चे कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। कैपिटल जो बता रहा था उसको कोई यूज ही नहीं है, हमने यहाँ पे काम पूरा किया। आप प्लीज कॉपी कर लो। मैंने इसको याद कीजिए, मैंने एक नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड आपका टेबल एंट्री, टेबल एंट्री है ना। ये बहुत सिंपल तरीका है इन बातों को समझने का। लेकिन एक बात बताऊं मैं बच्चे, एक बात आप मेरी बात सुनोगे, आपके स्कूल में जब ये बातें पढ़ाई जाएंगी, जब स्कूल में पढ़ाई जाएंगी या फिर जब हम इसको थोड़ा मतलब समझने के बाद जब इसको समझ गए तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका, जरा सुनना ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान देना, कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर है, इस बात को मानते हुए मैं आपको आगे कुछ बता रहा हूँ। पहले सुनो मेरी बात, जरा एक बार दोबारा बोलूँ, सोहन का इतना हिस्सा था बच्चे, सोहन का शेयर इतना था, लेकिन फ्यूचर में अब उसको इतना मिलेगा, यानी कि वो 22,500 वो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा, वो छोड़ देगा। बहुत ध्यान से शब्दों को सुनना, सोहन का जो शेयर बनता है, जो पास में उसने मेहनत किया उसके हिसाब से इतना बनता है, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ उसको इतना मिलेगा, यानी कि 22,500 रुपये वो सेक्रीफाइस कर रहा है मेरे बच्चे, वो छोड़ रहा है, मतलब फ्यूचर में उसको लॉस होगा, यानी कि ये जो आदमी है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इतने का ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको लॉस हो रहा है। और राम जिसका 37,500 शेयर बनता है खून पसीने का, उसको 60 मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में ये क्या करेगा, गेन करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा, ये गेन करेगा। तभी तो हमने कहा कि भैया आपको फ्यूचर में इतना गेन होगा, ऐसे ही बिना मेहनत के वो पैसा आप दे दो, हमने उनके अकाउंट से निकाल दिया। और जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा ऐसे ही बिना किसी मतलब के, तो उस आदमी को पैसा देना होगा ताकि आगे झगड़े ना आपका हो, ठीक है ना? बात सुने मेरी बात? सर हाँ, लेकिन सर ये गेन सेक्रीफाइस क्यों लिखा आपने मेरे बच्चे? मैं ये आपको दिखाया, मैंने यहाँ पे लिख दो फर्स्ट मेथड, ये पहला तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसी क्वेश्चन को। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ, दूसरे तरीके से। आप सर ये समझ में आ गया, छोड़ दो ना, ना बच्चे ना, आपको सेकेंड वाला जो मेथड है यानी कि ऑल्टरनेटिव मेथड, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हमारे बैठते हैं ना, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया, अब इसका मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। कभी कभी हो सकता है कि आपको इसी की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो आप ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड में पता, सेकेंड वाले मेथड में क्या करूँगा मैं, पहले कंप्यूट करूँगा, लिखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सुनो मेरी बात, अभी दिमाग में कन्फ्यूजन ना आए, आप दिमाग को रोकना नहीं कि नहीं जी वो बातें समझ में आ गई, मैं अब आगे नहीं समझूंगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आपको सारी बातें मेरी समझ नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। जरा बताओ, हमने पहले से पढ़ा तो है, आप जरा बताइए पार्टनर्स का यहाँ पे नाम क्या क्या है। एक था सोहन मेरे बच्चे, और एक था यहाँ पे राम। मुझे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में ओल्ड रेशियो क्या है, जरा बताओ ओल्ड रेशियो क्या है। सर ओल्ड रेशियो 3:1, यानी कि 3/4 और यहाँ पे 1/4। अच्छा मुझे बताओ पार्टनर्स का यहाँ पे न्यू रेशियो क्या है, पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या है, 3:2, यानी कि 3/5 और यहाँ पे 2/5, 3/5 एंड 2/5। मेरे बच्चे मैं यहाँ पे बताओ क्या निकाल दूँ, चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ गेनिंग रेशियो निकालूंगा। तो जरा बताओ, हमने आपको समझाया था गेन तब होगा जब नया वाला ज़्यादा, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड आपका, ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है।
तो मैं गेनिंग निकालूंगा, और अगर किसी का निगेटिव आ गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो सेक्रीफाइस आपका है ना बच्चे। अब देखो न्यू माइनस ओल्ड, इनका न्यू है 3/5, मैं इसको ऐसे कर लूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए। न्यू आपका इसका है 3/5 और माइनस ओल्ड कितना है जी 3/4। तो जरा बताओ 5/4 का यहाँ कितना आ गया 20 आ गया। 5/4 जा 4/3 जा 12, ये आ गया आपका 12 माइनस ये कितना हो गया 4/5 जा और 5/3 जा 15 आपका। ओहो हो मेरे बच्चे ये माइनस नहीं दिख रहा, मैं यहाँ कर दूँ क्या लिख देता हूँ, ये आंसर आ गया -3/20। माइनस मैं गेनिंग निकाल रहा था, निगेटिव आ गया मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। जरा इनके पास आते, इनका न्यू माइनस ओल्ड, तो मेरे बच्चे 2/5 माइनस 1/4, ये आपका 20 नीचे में, 5/4 जा 4/2 जा 8 माइनस 4/5 जा 5/1 5, यानी कि ये आ गया आपका 3/20। इनका पॉजिटिव आ रहा है मतलब इन्होंने क्या किया है, गेन किया है। ब्रैकेट वाली जो बातें लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सर ये क्यों समझा रहे हो? बस मेरे बच्चे मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। स्कूल में आपके सर कुछ अगर कराते हैं तो उनको ऐसा फील ना हो कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता, ये सब कुछ जानता है। माफ़ कीजिए मैं आपके टीचर को छोटा बड़ा नहीं कर रहा, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होगी कि आपके टीचर से आप आगे निकलो। अगर मुझसे कोई बच्चा मुझसे आगे निकलता है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ जी कुछ बच्चे में दम है, और मैं और मेहनत करता हूँ उस बच्चे को ठीक से पढ़ाने के लिए। वही काम आपके स्कूल के टीचर का भी होना चाहिए, जो टीचर पूछेगा उसके पहले जवाब आपका रेडी होगा। खैर आइए मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब देखो एक मस्त चीज़ बताता हूँ मेरे बच्चे, पता है अब आपको ना यहाँ पे इस रेशियो को निकाल कर आप यहाँ पे जर्नल एंट्री बना सकते हैं। रेशियो को निकाल कर निकल गया रेशियो हमारा, सर हाँ अब देखो मैं एंट्री कैसे बनाऊंगा, देखो मैं एंट्री कैसे बनाऊंगा, ध्यान से आप जरा यहाँ देखो आपने यहाँ पे राम ने गेन किया था तो राम को क्या किया आपने, डेबिट किया है ना बच्चे। जो गेन करेगा मतलब फ्यूचर में जिसको फायदा होगा हम उससे उतना पैसा ले लेंगे, और जिसको फ्यूचर में घाटा होगा लॉस होगा मेरे बच्चे उनको पैसा दे देंगे ताकि उनको दुख बाद में ना हो। वही काम करूंगा, बताओ यहां पे कौन गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, सर राम गेन कर रहा है मेरे बच्चे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हमने राम जो गेन करने वाला है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जरा बताओ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सर सोहन। तो जितना सोहन को फ्यूचर में सेक्रीफाइस होगा, जितना लॉस होगा, हम आज वो लॉस उनको उतना कंपनसेट कर देंगे। मतलब जो फ्यूचर में गेन करेगा उससे हम उतना पैसा ले लेंगे, और जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा हम उसको दे देंगे। यहाँ झगड़ा खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। अब अमाउंट जरा बताओ इस दिन पे गुडविल कितना वैल्यू किया गया, 150, पूरे फर्म की गुडविल 150 वैल्यू की गई। आप बताओ क्या पूरे 150 राम गेन करेगा, क्या बताओ राम जो गेन करेगा पूरा गेन करेगा, नहीं सर 3/20 जितना गेन करेगा 3/20। तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, कितना गुडविल है 150, ये 150,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 3/20 से, बताओ कितना निकल के आ गया, ये आ गया 22,500 रुपये, 22,500। अरे 150 जो गुडविल की वैल्यू है इसमें से जितना फ्यूचर में गेन करोगे आप कितना, 3/20 जो निकल के आया बच्चे गेनिंग रेशियो आपका, तो जितना गेन करोगे उतना पैसा हम ले लेंगे। और ये पैसा हम किसको दे देंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सोहन, कितना 3/20, तो वो भी हम 150,000 पे, मतलब जो भी रेशियो लगाएंगे 150 पे उसका 3/20, आप देखो ये कितना हो गया आपका 22,500। लो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है और जो यहाँ पे आ रहा है दोनों में सेम आंसर निकल के आ रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि आना ही था आंसर सेम आना ही था। एक ही काम को करने के दो तरीके हैं, अगर मैं कान को पकड़ना ही मेरा काम है, ऐसे पकड़ूं चाहे पीछे से लेकर आएगा नहीं हाथ, लेकिन मान लो पीछे से पकड़ूं तो कान ही तो पकड़ूंगा।
अरे इस मेथड से करूं चाहे मैं इस मेथड से करूं और आंसर विल बी सेम इन ऑल सर्कमस्टांसेज, क्योंकि हमने एक ही काम किया। पता हमने क्या किया, इस मेथड में वो गेन और सेक्रीफाइस कितना हो रहा हमने वो अमाउंट पता कर लिया, वो गेन और सेक्रीफाइस जो हो रहा है वो बच्चे हमने अमाउंट सीधे पता कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया आपका, हमने गेन और सेक्रीफाइस का रेशियो पता कर लिया और उस अमाउंट पे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों सेम है। आप दोबारा देखिए यहाँ पे क्या किया जी हमने, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का हमने डिफरेंस निकाला, यहाँ भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का डिफरेंस निकाला। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने अमाउंट में निकाला है, हमने अमाउंट में निकाला है, यहाँ पे हमने रेशियो का ही निकाल के काम पूरा कर लिया। बट दोनों में हमारा सेम आंसर आएगा। अगर ब्रह्मा ही नहीं, अगर विष्णु भगवान भी धरती पर आ जाए, शंकर भगवान भी आ जाए और कहें कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, आप उनको बोलना कि ना हमारे सर ने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि मेरे बच्चे मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही क्या वो था तीसरा शंकर भगवान हूं, सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं, वो शक्तियां मेरे अंदर जो पड़ी हुई है मैं आपके तरफ डाल रहा हूं बच्चे, डाल रहा हूं। देखो अपने शरीर को, देखो आपका शरीर फूल रहा होगा, ये हाथ पैर आपके मोटे होते चले जा रहे होंगे, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर अब आ रही है, वो शक्ति आपके अंदर आ रही है। सुनना मेरी बात, यहां पर तो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। और अगर थोड़ा बहुत दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, लग रहा कि सर थोड़ा सा टिस दिमाग में हो रहा है, बातें ठीक से दिमाग में नहीं बैठी हैं, तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं दोनों ही तरीके से। मैं तो दोनों तरीके से कराऊंगा, एग्जाम में आपको एक तरीके से करना है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो ये ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन इससे भी करेंगे तो मार्क्स थोड़े ही कटेंगे। कॉन्सेप्ट दोनों के सेम आपके हैं, दोनों आप ध्यान देना दोनों ही सेम है। मैं एक काम करता हूं, अभी ज़्यादा बोलूंगा मज़ा आपको नहीं आएगा, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखता हूं क्या उस क्वेश्चन में भी हमारा जो आंसर आएगा क्या दोनों से सेम आएगा कि अलग अलग आएगा। आओ ना एक बार मेरे साथ, आओ ना एक बार देख ले जरा कि दोनों से सेम आएगा कि अलग अलग आएगा। आओ ना एक बार देखे जरा इसको, आओ ना सर। आप हमेशा बोलते हो कि भगवान सारे आप ही हैं, सर भगवान कभी आपको मिल गए तो बहुत पिटेंगे, पिटने दो, देख लूँगा मैं, लेकिन आज तो बस मुझे इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज आपके दिमाग में बैठना है। देखो ना फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो जरा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक पहले इसको सुधार लूँ मैं फोर्थ में, पता नहीं ये मिस्टेक्स कैसे रह जाते हैं बदमाश। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे सही रहे, लेकिन जो टाइप करते हैं ना लोग वो बदमाशी कर जाते हैं, तो मैं इसको सही कर लूँ थोड़ा सा। अनीता एक नाम और डाल देता हूँ, चलो अलका, अनीता अलका एंड अमृत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। ठीक लगा, समझे मेरी बात, आपके पास बुक जो आएगी ठीक आएगी, आप चिंता ना करो, मुझे पढ़ाते समय कुछ देखना होता है, कुछ गलती है तो उसको सुधार देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। हाँ पढ़ेंगे मेरे साथ बुक का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन कर रहे हैं फोर्थ का, ध्यान देंगे क्या बता रहा है। अनीता अलका एंड अमृत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम 1st January 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:1। अच्छा रेशियो चेंज हो गया। और पार्टनरशिप डीड कहता है प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, अगर रेशियो चेंज होगा तो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 5 years प्रॉफिट, जैसे पिछले में था और पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट मेरे बच्चे नीचे दे रहा है बोलता है कि शो द वर्किंग क्लियरली एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव चेंज, कर लेंगे हम। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा, यहाँ पे उसने कैपिटल नहीं बताया, रिक्वायरमेंट ही नहीं है कैपिटल की, क्या करूँगा कैपिटल का मुझे जब झगड़े खत्म करने हैं। तो आओ ना मैं फोर्थ में डायग्राम से आपको दिखा दूँ, तीन पार्टनर्स थे, कौन कौन है जी, पहला पार्टनर यहाँ पे अनीता, ये पहला अनीता पार्टनर है, दूसरा कहता है अलका और तीसरा कहता है क्या नाम था अमृत, तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2:1 का है, यही रेशियो था ना 3:1, हाँ जी।
کہتا ہے کہ آج یہ ڈیٹ مان لو 1 جنوری 2018 کا ہے، اس کے بعد یہ تینوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارا ریشیو ہوگا وہ 2:3:1 کا ہوگا، 2:3:1 کا. تو میرے بچے جو پاسٹ میں ہم نے محنت کیا ہے 3:2:1 میں، اس کا بینیفٹ جو فیوچر میں آئے گا اینڈ 2:3:1 میں ڈیوائڈ ہوگا، یہاں جھگڑے ہوں گے، ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ گڈ ول، یعنی کہ پاسٹ میں جو ہم نے محنت کیا اس کا فیوچر میں کتنا آپ کا پروفٹ آئے گا ہم اس کو ویلیو کر لیتے ہیں. آج وہ جھگڑا ختم کر لیں گے تو آگے پروفٹ آئے گا، آنے دو ہم آرام سے ڈیوائڈ کریں گے، جو کم زیادہ ہوگا وہ تو آج ہی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اور آؤ نا اس گڈ ول کو ویلو کرنے کے لیے ہم یہاں دیکھیں، پہلے ہم نکالیں گے ایوریج پروفٹ. اس ایوریج پروفٹ کو نکالنے میں تو ہم نے مہارتی حاصل کر لی میرے بچے، کتنے سارے کوشچن میں نے کرائے تھے، کتنے سارے کوشچن. تو ذرا بتاؤ کتنا بتا رہا فورتھ میں. اب پہلے سال میں کہتا ہے کہ 1,20,000 کا آپ کا پروفٹ ہے، پہلے سال میں 1,20,000، ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے آپ کا 2,000 یہاں پہ کہاں گیا، 2014 میں، مطلب اگلے سال آپ کا 3 لاکھ کا پروفٹ ہے، ایڈ کیجیے. پھر کہتا ہے کہ اس کے اگلے سال میں آپ کا 3,40,000 کا پروفٹ ہے، یہ بھی ایڈ کیا ہم نے. پھر کہتا ہے کہ اس کے اگلے سال میں ہمیں یہاں پہ اگلے سال میں 380 کا لاس ہوا ہے، وہ دیکھو مائنس میں بتا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں لاس تو مائنس کر دیں گے. اور پانچویں سال میں کہتا ہے، ایک میں غلط کر رہا ہوں، سوری بچے، لاس پانچویں سال کا، یہ تو ٹھیک ہے 380 کا اماؤنٹ، اور پانچویں سال میں آپ کا لاس ہے، لاس کہتا ہے کہ 1,40,000 کا، 140 کا لاس آپ کا. پہلے سال میں پروفٹ ہے، اسٹارٹنگ کے چار سال میں پروفٹ کہہ رہا ہے، لاسٹ والے میں لاس کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں اس کو 5 سے ڈیوائڈ کر دینا ہے، 5 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. جلدی سے بتاؤ کتنا نکل کے آئے گا، کیونکہ اس کے بعد تو ایئرس پرچیز پرائز کوشچن میں 3 دیا ہوا ہے، 3. تو ایک بار چیک کرتے ہیں، 120 + 3 یہ 420 ہو گیا، 420 کا اماؤنٹ پلس آپ کا 3,40,000 کا اماؤنٹ پلس آپ کا 3,80,000 کا اماؤنٹ مائنس آپ کا 1,40,000 کا اماؤنٹ، اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے 5 سے، اوہو یہ تو 2 لاکھ کا اماؤنٹ نکل کے آیا. اور میرے بچے اگر ہمیں گڈ ول کو نکالنا ہے، تو گڈ ول آپ کا 2 لاکھ ملٹیپلائڈ بائی، کوشچن پڑھو، 3 ایئرس پرچیز پرائز کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ 6 لاکھ کی گڈ ول آ گئی. لو گڈ ول کی ویلیو آپ کی ہو گئی ہے 6 لاکھ روپے. اب میں ایک کام کرتا ہوں، مجھے ایکچولی اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ بس یہاں پہ جاننا تھا کہ گڈ ول کی ویلیو کتنی ہے، گڈ ول کی ویلیو، اور اس ویلیو کو نکالنے کے لیے کوئی بھی میتھڈ آ سکتا ہے، جو ہم نے پیچھے کلاسز میں دیکھا ہے جی، گڈ ول کیلکولیشن میں ایوریج پروفٹ ہو، سپر پروفٹ ہو، کیپٹلائزیشن میتھڈ ہو، کچھ بھی آ سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے مہامدتی ہیں، میں ابھی آگے پریکٹس کراؤں گا بھی آپ کو، بس اس میتھڈ کو اپلائی کر کے گڈ ول کی ویلیو کو نکال دینا ہے. اب میں اس کو مٹاؤں گا، یہ ہو گیا آپ کا، یہ ہو گیا بچے، ارے بولو نا ہو گیا سر، ہاں سر. تو پھر میں اس کو ہٹاؤں گا، آپ مجھے بتاؤ اس کو دونوں سے کرا دو یا کسی ایک میتھڈ سے. سر دونوں سے، سر دونوں سے. تو لو میرے بچے میں نے کیا یہ ایک لکیر کھینچا، میں ادھر میں آپ کا پہلا میتھڈ سے کروں گا، جس میتھڈ کو ہمیشہ ہم ٹیبل انٹری میتھڈ سے جانتے ہیں، یہ ٹیبل انٹری آپ کا، ٹھیک ہے نا، پہلا میتھڈ. اور سیکنڈ میتھڈ جو جنرلی بچے فالو کرتے ہیں، آپ کو اسکول میں بھی فالو کیا جائے گا، وہ ہم انٹری یہاں دکھا دیں گے، بٹ کانسیپچولی پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. 3 پارٹنرس ہیں، لکھے یہاں پہ، پہلا انیتا، دوسرا آپ کا الکا، اور یہاں پہ تیسرا ہے امرت، ٹھیک ہے نا. ذرا بتاؤ کیا کروں میں، اس 6 لاکھ کو جس ریشیو میں آپ نے کمایا ہے، یعنی کہ اولڈ ریشیو میں ہم کیا کریں گے، کریڈٹ. کوئی پوچھے کریڈٹ کا مطلب یہ سے بتانا کہ اس میں ہماری حصہ داری بنتی کتنی ہے، 3:1، یعنی کہ 3 لاکھ کا اماؤنٹ ان کا ہے میرے بچے، 2 لاکھ کا اماؤنٹ ان کا ہے، اینڈ 1 لاکھ کا اماؤنٹ آپ کا ان کا ہے، یہ 3:1 ہو گیا. لیکن آگے آنے والے سمے میں آپ اس کو جو وڈرا کرو گے، نیو پارٹنرس، مطلب نئے فرم میں جو پارٹنرس رہ گئے، تینوں پارٹنرس رہ گئے ہیں، نیو ریشیو میں، میں ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جو ہر ایک چیپٹر میں فالو ہوگا، ایڈمیشن ریٹائرمنٹ سب میں یہی کام، ہم یہاں پہ ڈیبٹ کرتے ہیں. ڈیبٹ مطلب کتنا وڈرا کرو گے. تو دیکھو نا، ان کا ہو گیا 2 لاکھ، 2:3:1 میں کر رہا ہوں، ان کا ہو گیا 3 لاکھ، اور ان کا ہو گیا آپ کا 1 لاکھ کا اماؤنٹ، یہ ہو گیا 1 لاکھ. تو سنو ذرا کیا نکل کے آتا آپ کا یہاں پہ، سنو ذرا، انیتا
का 3 लैक्स की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब उसको 2 लैक्स मिलेगा। अनीता जिसने 3 लैक्स का एफर्ट डाला था, मेहनत किया था मेरे बच्चे, उसको यहाँ पे सिर्फ 2 लैक्स मिलेगा, यानी कि 1 लैक ये फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगी। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, 1 लैक ये फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगी। तो जितना फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगी उतना उसको आज हमें देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो फिर मेरे बच्चे बाद में झगड़े होंगे, तो हम इसके अकाउंट में आज ही क्या करेंगे, 1 लैक ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, अनीता यहाँ पर फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने वाली है। कहाँ जी? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में अगर सेक्रीफाइस करेगी, अगर सेक्रीफाइस, तो उतना उतना उसको दे देंगे। अच्छा, अलका की बात करते हैं। अलका, आप देखो, इसका मेहनत 2 लाख रुपए का है, लेकिन फ्यूचर में 3 लाख रुपए मिलेगा। अरे, इसको फ्यूचर में गेन होने वाला है, तो आप इससे क्या करो, 1 लाख रुपीज आप ले लो, ले लो। जो बैठे बैठा है, सिर्फ रेशियो के चेंज होने के चलते जो आपको गेन होगा, उतना पैसा आपको देना होगा, क्योंकि आपका उसमें कोई खून पसीना नहीं लगा मेरे बच्चे। यानी कि जितना इनको क्या हो रहा है जी, गेन हो रहा है। इनको क्या हो रहा है? गेन, जो ब्लू में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में लिखना। तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इनको यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूचर में आपका इनको गेन हो रहा है, तो इसलिए हम उनसे पैसा ले लेंगे। इनका जितना पहले था उतना आज भी है, कोई यहाँ पे नहीं बचे, नो गेन नो प्रॉफिट आपका। आओ ना, एंट्री करते हैं। ये देखो, अलका को गेन हो रहा है। जिसको फ्यूचर में गेन होगा आज उससे लेना होगा, तो मैं अलका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा, अलका कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा। और यहाँ पर ये किसको दे दूँगा जी, टू अनीता कैपिटल अकाउंट, अनीता कैपिटल अकाउंट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख इनसे लिया और 1 लाख इनको दिया। ध्यान देना, जो गेन करता है हम उससे लेते हैं, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको देंगे। आपको अगर ऐसे नहीं समझना तो मैंने एक तरीका बताया था, वो भी हज़ारों तरीके हैं। क्रेडिट और डेबिट में बड़ा कौन सा है? क्रेडिट। तो हम इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखो, क्रेडिट किया, और इनका डेबिट बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको डेबिट करेंगे। देखो, हमने डेबिट किया, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल, बट ओनली फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स, सिर्फ आपके लिए। अब मैं इसको सेकेंड मेथड से आपको दिखाता हूं, जिसमें हम लोग टेबल एंट्री यानी कि इस वर्किंग को करने के बजाय सिंपली हम उस रेशियो को ही पता कर लेते हैं कि किसको कितना गेन हो रहा है, किसको कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। तो मेरे बच्चे आओ ना, इस मेथड में हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ आपका गेनिंग, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। हम कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वही पता कर लें और उसे काम पूरा करें। तो देखो जरा, हमने क्या बोला था, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स, यहां पे ओल्ड रेशियो, यहां पे हमारा न्यू रेशियो, और यहां पे हमारा गेनिंग निकाल दूं, कोई भी निकाल सकता हूं, गेनिंग निकालूंगा। तो आप ध्यान रखना, गेन तब होगा जब नया वाला बड़ा है, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा, अगर सेक्रीफाइसिंग लिखता तो ओल्ड माइनस न्यू कुछ भी कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव आएगा वो ये रेशियो है, जो नेगेटिव आएगा उसका अपोजिट वाला हो जाएगा। पार्टनर्स के नाम यहाँ पे अनीता है, पार्टनर्स के नाम यहाँ पे अलका है, और पार्टनर्स का नाम यहाँ मेरे बच्चे अमृत है, अमृत। बताइए ओल्ड रेशियो, तो 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो बताइए, 2/6, 3/6, 1/6 आपका। अब गेनिंग यानी कि न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू इनका 2/6 है, ओल्ड इनका 3/6 है, मेरे बच्चे ये आ गया -1/6। गेनिंग निकाला था, नेगेटिव आ गया, यानी कि आप यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हो। इनका चेक करेंगे आप, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू आपका 3/6 है, -2/6 है, ये हो गया आपका 1/6। गेनिंग निकाल रहा हूँ, पॉजिटिव आया तो ये गेनिंग ही रहा है आपका, गेनिंग ही रहा आपका, ठीक है ना। और इनका 1/6 पहले भी था, 1/6 अभी भी है, तो नो गेन नो लॉस आपका, कोई गेन कोई लॉस नहीं हुआ। अगर मैं इस तरीके से करूँ तो आओ ना, अब मैं आपको यहाँ पे जनरल एंट्री दिखा दूँ क्या बनेगा। मुझे पता है कि आप बातें समझ चुके हैं, जरा बताओ कौन गेन कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, भूल जाओ कि मैंने कुछ किया है, गेन कौन कर रहा है, अलका। जो गेन करेगा फ्यूचर में हम उनसे पैसा लेंगे, तो आपको क्या करना है, अलकाज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है।
जो गेन करेगा हम उससे ले लेंगे, तो अलका को डेबिट किया, और जो सेक्रीफाइस करेगा अनीता हम उसको दे देंगे, क्योंकि इसको फ्यूचर में लॉस होने वाला है, सेक्रीफाइस कर रही है, तो उतना आज कंपनसेट करना होगा ताकि कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो बच्चे पार्टनर्स के बीच में। आओ ना अलका को देखते हैं, अलका कितना डेबिट होगी। पहले बताओ गुडविल कितना है, हमेशा याद रखना टोटल पे देखा जाएगा 6 लाख। तो इस 6 लाख में जरा बताओ अलका फ्यूचर में कितना गेन करने वाली है, 1/6 ये रेशियो, सॉरी अलका यानी कि 1/6, तो इंटू 1/6 आपका ये कितना आ गया, 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख अमाउंट। और अनीता को कितना मिलेगा जी, तो अगेन इसी 6 लाख रुपीज का, इसी 6 लाख का आपका सेक्रीफाइस कितना है, 1/6 आपका, ये कितना हो गया, 1 लाख का अमाउंट। आप यहां पे निगेटिव मत कर देना, क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा उसी का नाम नीचे में आपका आ रहा है, तो सिंपली आपको इस रेशियो को देखना, 1/6 1/6, उससे एंट्री कंप्लीट हो गई, हो गई बात है। अरे ये क्या, इससे जो आंसर निकल के आ रहा है वही आंसर मेरे बच्चे यहां पे निकल के आ रहा है, आना ही था, आना ही था, क्योंकि मैंने कहा ना एक ही काम करने के दो तरीके हैं, आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे करो आंसर आपका सेम निकल के आएगा। आप प्लीज कॉपी कर लो, आप प्लीज कॉपी कर लो। सर ये तो हो गया, सर ये तो हो गया, कुछ और अच्छा बताओ ना मेरे बच्चे, कुछ करने कराने को मेरे पास रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपने पूछ दिया तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा और भी इसको मिटा दूं मैं। आज तो हमने कुछ नया चीज़ सीखा ही नहीं, आज तो हमने सीखा ही नहीं। और हाँ अगर दुनिया वाले कह देना, दुनिया वाले कह देना कि इस रेशियो का मतलब क्या होता जी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो गेन करेगा डेबिट, जो सेक्रीफाइस क्रेडिट, तो बोलना कि मुझे पता है, आप हमें ना सिखाओ, हम तो दुनिया को सिखाते हैं, आप ऐसे बोलना, ठीक है ना। घर में तो आज के बाद हम किसी से बात करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि आप बिल्कुल अलग हो अब दुनिया से। सर पापा मम्मी किसी से बात नहीं करेंगे, और उन्होंने पिटा तो खा लेना पिटाई, लेकिन बात मत करना, बात नहीं करना। घर में कोई अगर मान लो रिलेटिव आया, मत करना बात। पापा चाहे कितने भी चप्पल से मारे, जूते से मारे, मार खा लेना, लेकिन उनसे बात मत करना। कहना लिखकर चिट्ठी में कि मैं अब आपसे अलग हूँ, मेरे अंदर में हर एक भगवान की शक्तियाँ समा चुकी हैं, मैं बहुत अलग हो चुका हूँ, मैं बहुत अलग हो चुका हूँ। पांचवा क्वेश्चन, इसको भी आपकी खातिर मैं दोनों तरीके से करा दूंगा, आपकी खातिर मेरे बच्चे दोनों तरीके से। आओ जरा देखते हैं क्या बता रहा है पांचवा क्वेश्चन, पढ़िए मेरे साथ। XYZ पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:1 का। एज फ्रॉम अप्रैल 2018 वाई डिसाइडेड टू डिवोट ओनली पार्ट ऑफ टाइम टू द बिजनेस एंड एक्सेप्टेड टू रिसीव 1/2 ऑफ हिज प्रीवियस शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ वाई इज टेकन इक्वली बाई वाई एंड जेड फॉर दिस पर्पज। गुडविल कहता है कि वैल्यू क्या गया 3 लाख पे, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। सर ये तो कुछ बीच में समझ में नहीं आया, आप ये मत कहो कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप कहो कि लैंग्वेज समझ में नहीं आया। लैंग्वेज समझना कॉन्सेप्ट समझना दोनों डिफरेंट चीज़ है बच्चे। लैंग्वेज मैं समझा दूंगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा लैंग्वेज पे। आप आओ जरा पहले मैं इसको भी दो तरीके से, पहले मैं आपको यहाँ पे इस पर मैं एक काम करूँ क्या, पहले मेथड 2 कर देता हूँ। मेथड 2 मतलब वो रेशियो निकाल कर। क्यों सर ऐसे ही मन किया, ऐसे ही आप किसी से भी कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे मेथड 2 दिखा देता हूँ। लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आपका न्यू, इस पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू एंड इस वाले देता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, चलो सब लिख दो क्या जाता है, एंड गेनिंग रेशियो है ना। आप देखो जरा यहाँ पे थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट नहीं कुछ। पार्टनर्स का नाम बताओ क्या नाम है, सर XYZ लिखो यहाँ पे, XYZ। ओल्ड रेशियो बताइए क्या है पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो, सर ओल्ड रेशियो कहता है 3:1, तो एक्चुअली 3/6, 2/6 एंड 1/6 आपका, दिस इज ओल्ड रेशियो आपका, ओल्ड रेशियो। फिर कहता है
फिर कहता है मेरे बच्चे अब थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज है जो हमें समझना होगा, मैं नीचे आपको बताऊँ, पढ़ो जरा आगे क्या बता रहा है। वाई डिवोटेड और डिसाइडेड टू डिवोट ओनली ए पार्ट ऑफ टाइम, मतलब वाई जितना पहले टाइम दिया करता था अब उसे वो कुछ कम टाइम देना चाहता है बिजनेस को, बुढ़ा हो गया होगा या फिर फैमिली को उसको टाइम देने का मन कर रहा होगा या लाइफ ठीक से इंजॉय नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए कहा कि भैया आप कुछ काम कुछ ही टाइम दूंगा बिजनेस को, बाकी टाइम अपना रखूंगा। इसके चलते जब टाइम कम करोगे तो फिर रेशियो भी कम करना पड़ा, क्योंकि कह रहा इसलिए एंड एक्सेप्टेड टू रिसीव वन हाफ ऑफ हिज प्रीवियस शेयर ऑफ प्रॉफिट, कहता कि अब मैं जितना पहले लिया करता था उसका आधा ही शेयर लूंगा। मेरे बच्चे जरा बताओ यहां पे, आप जरा बताओ कि कौन है वाई ना, वाई के बारे में बात कर रहा ना सर? हाँ सर, जरा बताओ आपका करंट वाई शेयर इन प्रॉफिट कितना है, कितना शेयर है? ये देखो करंट 2/6, इनका शेयर 2/6 है। कहता कि अब जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में वाई शेयर जो होगा, वाई शेयर इन प्रॉफिट वो कितना होगा जी? तो कहता है कि भैया 2/6 का बस आधा लूंगा, यानी कि 1/2, 1/2 मतलब आधा, कितना हो गया ये आपका, ये आ गया, ये 2 कैंसिल कर दूं तो 1/6, मतलब न्यू रेशियो जो बनने वाला है मेरे बच्चे, न्यू रेशियो, उस न्यू रेशियो में कहता है कि जो वाई का शेयर होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा, इसका आधा। समझो मेरी बात सर? तो फिर सर इसका उतना ही है, इसका उतना ही है, तो फिर जो 2/6 जो पहले था अब ये इतना लेगा, तो इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया ये जरा बताओ, वाई कितना छोड़ दिया, मैं यहां निकाल रहा हूं सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका, जरा चेक करो कितना सेक्रीफाइस कर दिया। तो सेक्रीफाइस तब होगा जब ओल्ड वाला बड़ा होगा, पहले ज्यादा, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू। तो जरा बताओ आपका ओल्ड कितना था, 2/6, और अब कितना ले रहे हो, 1/6, तो सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 1/6, आधा सेक्रीफाइस कर दिया। अरे कॉमन सेंस है, 2 रुपये आपके पास था, अब 1 रुपये लोगे तो 1 रुपया छोड़ दोगे, अगर 100 रुपये आपके पास था और आधा आपने रखा तो 50 रखा, 50 छोड़ दिया, वही तो हुआ कि आपके पास 2/6 में आधा रखा, आधा आपने सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब ये आपका सेक्रीफाइसिंग आ गया। लेकिन जो सेक्रीफाइस आपने किया ये शेयर किसने लिया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरे पार्टनर को गेन होता है। तो जब देखो ना, वो बता रहा आपको, अच्छा क्वेश्चन है, वो गेन क्या बता रहा, पढ़ो जरा, वो कह रहा बच्चे आप पढ़ो थर्ड लाइन बीच में, सेक्रीफाइस्ड शेयर ऑफ वाई मिला आपको सर? हाँ, वाई का जो सेक्रीफाइस किया हुआ शेयर है वो एक्स और जेड ने इक्वली अपने बीच में ले लिया। पढ़ो ना क्या मस्त क्वेश्चन है, कहता है कि जितना सेक्रीफाइस किया वाई ने उसको एक्स जेड ने आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। तो चलो बताओ यहाँ पे आपका अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो पहले बता दो, मैं इस बात को यहां पर लिख दूं, अच्छा लगेगा आपको, जरा बताओ सेक्रीफाइस्ड शेयर ऑफ वाई है कितना? तो सर पहले वो 2/6 लिया करता था और उसमें से अब 1/6 ले रहा है, तो सर सेक्रीफाइस किया 1/6 जो यहां निकल के आया था, इसको कौन गेन करेगा? कहता है कि एक्स जेड कैसे इक्वली, तो जरा बताओ गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना गेन करेगा? तो कहता है कि जितना आपने छोड़ा ना 1/6 उसका आधा मैं गेन करूंगा, और गेनिंग रेशियो दिमाग को बिल्कुल शांत रखो कुछ नहीं है, ऑफ जेड कितना हो जाएगा? तो जितना 1/6 मतलब जितना आपने छोड़ा था किसने, वाई ने, उसका ये भी आधा ले लेगा, मतलब उसका सेक्रीफाइस मान लो 10 रुपये छोड़ा तो 10 में 5 रुपये आओ, 5 रुपये आप, तो कितना हो गया जी, 1/12, और इनका कितना हो गया, 1/12, ये इन दोनों का गेन हो गया मेरे बच्चे, इन दोनों का गेन हो गया।
आपको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना है, आप समझ जाएंगे बहुत आराम से। और ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे लैंग्वेज बहुत बार अभी पूरे चैप्टर में आएंगे, मैं बहुत बार ही रिपीट करूंगा, आपको परेशान नहीं होना, पूरा दिमाग ओपन हो जाएगा। अभी बस यहां तक फोकस करो आप कि वाई ने जितना सेक्रीफाइस किया वो सेक्रीफाइस हम दोनों ने क्या गेन किया, और जरा बताओ गेन एक्स का कितना आ गया 1/12। तो 1/12 यहां पे मैं काम करता हूं फिर इसको ऐसे नहीं लिखता, समझ लो मेरी बात, यहां ना लिख के मैं यही दे देता, क्योंकि हमने वर्किंग यहां कर दिया है, मैं इसको भी ऐसे कर देता हूं, आप भी ठीक कर लो। एक्स का गेन कितना है 1/12, ये यहां लिख देता हूं मैं ताकि आपको क्लियरिटी आए, ये गेन हो गया 1/12 आपका, इन्होंने गेन किया है। अच्छा वाई का सेक्रीफाइस है 1/6, आपने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है, और जेड का इनका भी गेन है, जेड का गेन कितना आ गया 1/12 आपका, ये गेन हो गया, ये गेन हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये हमने ओल्ड देखा, अब हमने क्या किया बच्चे यहां पे ये, अब आओ जरा इनका न्यू देख लेते हैं। तो सुनो 3/6 आपको पहले मिला करता था और इतना आपने गेन कर लिया 1/12, तो नया रेशियो बढ़ जाएगा जितना पहले मिलता था और जो गेन क्या मिलके होगा आपका, तो निकल गया आपका 1/6, कैसे जी 2/6 में इतना सेक्रीफाइस किया तो इतना बच गया, और ये 1/6 पहले लिया करते थे, 1/12 आपने गेन किया है, तो बताओ आपका कितना हो गया, पहले इनका देख लो, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 6 2 जा 2 3 जा 6 और प्लस 7/12 हो गया, 7/12 हो गया, यहाँ देख लो आप ये कितना आ जाएगा 12, तो 6 2 जा 2 प्लस 2 प्लस 3/12। और मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब भी रेशियो निकलता है ना तो सबका डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, रेशियो जब निकालते हैं तो हम सबका डेनोमिनेटर सेम करते हैं, इनका 12 है, इनका 12 है बट इनका 6 है, इसको भी 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते थे बताओ पांचवी छठी क्लास में, अगर हमें इसको 12 में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जितना नीचे उतना ऊपर भी 2/2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना आपका हो गया 2/12, ताकि बाद में अगर हम इसको काटे 2 से तो 1/6 ही निकल के आ जाए। अब एक बार चेक करते हैं कि हमारा न्यू रेशियो ठीक है, 7 + 2 + 3 = 12 के बराबर हो गया, है ना बच्चे। और देखो ये जितना गेन कर रहे हैं अगर इसको ऐड करें तो इनके सेक्रीफाइस के बराबर है, मतलब हमने बिल्कुल सही काम किया हुआ है। आप एक काम करना मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, और आप जहाँ पे आपका अभी ख़त्म हुआ उसके बाद लिख लो आप कि न्यू रेशियो जो आपका निकल के आया है, न्यू रेशियो आपका वो आपका 7:2:3 आपका हो गया, 7:2:3 में हमने काम कर लिया। आई बात समझ में, ये रेशियो आपको निकालना पड़ा, अभी तक के सारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो होता था बट ऐसा हमने पहले सीखा है मेरे बच्चे। और याद रखना ये बाद में लिख रहा हूँ, ये पहले लिख रहा हूँ, ये कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बाद में कोई पहले, वो आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वर्किंग नोट्स है, आपको वर्किंग नोट्स कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना वो आपका काम है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने काम पूरा किया। तो सेकंड वाले मेथड में अब जरा आ जाओ, हमें सीधे क्या करना है कि नाउ विल पास जर्नल एंट्री, हम यहां पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री याद है ना, हमने कहा था गेनिंग जो पार्टनर्स हैं, ये देखो दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, जो भी फ्यूचर में गेन करेगा हम उनसे लेंगे। तो मेरे बच्चे एक्सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए, एक्सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा, और कौन गेन कर रहा है जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कीजिए, जो भी गेन करेगा हम उससे लेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है वाई, मेरे बच्चे टू वाइज कैपिटल अकाउंट आपका, ठीक है ना। जरा बताओ कितना निकल के आएगा, मेरी बात मैंने लिखना वो डायग्राम बनाना भूल गया, जरा बताओ गुडविल कितना इस क्वेश्चन में, गुडविल 3 लाख। तो सुनो जरा, एक से हम क्या करेंगे 3 लाख जो पूरे फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाइड बाय एक्स का गेन कितना है 1/12, ये रहा वाई जेड का, मेरे बच्चे 3 लाख में ही इसका गेन कितना है, इसका गेन कितना है 1/12, और वाइज कैपिटल अकाउंट में 3 लाख का ही जरा बताओ इसका सेक्रीफाइस कितना है 1/6, तो आपका ये हो गया कितना, कितना आ रहा है, कैलकुलेशन मेरा ऐसे गंदा है, 3 लाख / 12 मेरे बच्चे ये आ गया 25,000, ये भी आ गया 25,000,
और ये आ गया आपका 50,000। जितना जितना आप लोगों ने गेन किया फ्यूचर में उतना देना पड़ेगा, और जो सेक्रीफाइस किया उसको दे दिया, काम पूरा हो गया, झगड़े खत्म आपका। समझो मेरी बात, यानी कि एग्जामिनर आपको कहाँ कंफ्यूज कर सकता है, वो रेशियो निकालने में। और रेशियो निकालने की सारी बातें मैं अभी आपको समझाऊंगा, बहुत दूर तक निकलना बच्चे पार्टनरशिप में, अभी एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आ जाएगा, बहुत रेशियो पढ़ेंगे आप तो मास्टर्ड हो जाएंगे, आप चिंता मत करना, अभी कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। ये हमारा सेकेंड मेथड था। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूँ, पहला मेथड जिसमें कि हमने वो टेबल बनाया था, यानी कि टेबल एंट्री के थ्रू, तो जरा बताओ हमने कैसे किया था। नाम बताइए पार्टनर्स के कौन कौन से हैं, नाम बताइए, एक्स वाई जेड लिखो ना यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड आपका। पहले आपको पता है ना, हम ओल्ड पार्टनर्स, हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में हम पहले करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब कि आपकी हिस्सेदारी इतनी इतनी बनती है। तो मेरे बच्चे 3 लाख में 3/6 कितना हो गया, 150 है ना, 3 लाख का 2/6 ये 1 लाख हो जाएगा, और 3 लाख का आपका 1/6 ये 50,000 का अमाउंट हो जाएगा। ये आपका हो गया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। फिर आपने क्या करना है, न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में आप इसको डेबिट करेंगे, तो 3 लाख का अब नया रेशियो कहाँ गया, ये रहा आपका नया रेशियो। जरा बताओ 3 लाख को जब हम डिवाइड करते हैं, 3 लाख डिवाइड बाई कितना से, 12 से, इनटू आपका 7, तो पहला आ गया 1,75,000। पर बच्चे फिर आपका यहाँ पे 2/12 तो डिवाइड बाई आपका इनटू 2 आपका ये आ गया 50,000, ये 50,000 आ गया, और ये आपका लास्ट वाले का 3 है तो आपका कितना हो जाएगा, 3 लाख का आपका 3/12, जिसको भी मल्टीप्लाई करना है वो पूरे पे मल्टीप्लाई करना है, पूरे गुडविल पे, चाहे हम इसमें करें आपका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, चाहे इस तरीके से आपका, तो 3/12 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, ये आ गया 75,000, ये हमारा आ गया 75,000। तो मुझे बताओ ज़रा, मुझे बताओ क्या बना, ये देखो एक्स का क्रेडिट में 150, डेबिट में 175, डेबिट बड़ा है तो हम इनको डेबिट करेंगे 25,000 से। बी का क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट करेंगे कितने से, 50,000 से, और सी का डेबिट बड़ा है तो हम डेबिट करेंगे 25,000 से। ये देखो आपका एंट्री क्या बन गया, तो एक्सेज कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया, एक्सेज कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, और आपका जेड कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, जेड कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, और टू आपने यहाँ कह दिया किसका जी, वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये देखो 25,000, यहाँ भी 25,000 जेड में देख रहे हैं आप, और इसका 50,000, मतलब वी आर गेटिंग द सेम आंसर यहाँ पे आपका, सेम आंसर हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट आपका। बताओ क्या दम है इस क्वेश्चन में, क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। हाँ, बात थोड़ी सी समझने वाली थी, वो रेशियो निकालने वाला, मेरे बच्चे कौन सा कॉलम पहले कौन सा बाद में लिखना है वो आप तय कीजिए, कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपके बुक में, या आपके टीचर क्या करेंगे, इन बातों को ज़्यादातर नीचे दिखाएंगे आपके लैंग्वेज में, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, जिससे हमें बात समझ में आ जाए, जिससे हम एग्जामिनर को बात समझा दे, वही आंसर ठीक माना जाता है। लो ये भी हो गया, मैं और आगे चलता हूँ, और आगे चलता हूँ। आप धीरे धीरे पता है आप खुद जज करना शुरू कर दोगे कि मैं कौन से तरीके से करूँ, कौन सा तरीके से ना करूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने मेरा काम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस वही करूँगा मेरे बच्चे, उसके बाद तो आप कीजिए जो भी करने का मन करे, जो भी मन करे। एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक के अंदर में, 6th क्वेश्चन आपका, तो सॉल्यूशन करेंगे आप मेरे साथ 6th क्वेश्चन का। आओ जरा 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। पढ़ेंगे आप, एबीसी एट प्रेजेंट शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। गुडविल कहता है कि वैल्यू किया जाएगा 90 पे, शो एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। दो अल्टरनेटिव है, पहले मैं केस नंबर 1 कराऊं, जो आप जानते हैं केस नंबर 1 आपका, केस नंबर 1
मेरे बच्चे जरा बताओ, यहाँ पे कहता है आप छोड़ो केस वन क्या पढ़ना है मत पढ़ना, पहले मैं बताओ दोनों मेथड से करा दूँ कि एक तरीके से करा दूँ, बोलो बोलो क्या चाहते हो। सर इस बार ना आपसे वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाले से करा दो, सेकेंड मेथड वाला आपका टेबल एंट्री हम समझ गए हैं। तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो पार्टनर्स का नाम यहाँ पे फिर आपने ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, और आपको फिर निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्या निकाल दो बताओ, सेक्रीफाइसिंग निकाल दो कि गेनिंग निकाल दो। चलो इस बार सेक्रीफाइसिंग निकाल देता हूँ, कुछ भी निकालूंगा, कोई भी निकाल सकता हूँ, बस ध्यान रखना जब सेक्रीफाइस निकाल रहे हो तो ओल्ड वाला बड़ा रहा होगा, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू आपका। अब जो निगेटिव आ जाएगा वो न्यू हो जाएगा। पार्टनर्स के नाम बताइए, ए बी सी, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ओल्ड रेशियो बताइए 5:3:2, 5/10, 3/10 और यहाँ पे आपका 2/10। अब जरा बताओ न्यू क्या हुआ, न्यू इक्वली मेरे बच्चे, तो इक्वली यानी कि 1/3, इक्वली यानी कि 1/3 और यहाँ पे 1/3, ये इक्वली आपका हो गया। आओ ना सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइस निकाल, अगर टेबल एंट्री था तो और इजी था, टेबल एंट्री में सिर्फ ओल्ड में करते, न्यू में फिर अपना एंट्री बन जाता, बट कोई बात नहीं, ओल्ड माइनस ओल्ड कितना है 5/10, न्यू कितना है 1/3, 3/10 माइनस 1/3 और यहाँ पे 2/10 माइनस 1/3। आओ निकाल लेते हैं, ये आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 30, तो 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 10 जा यानी कि 10, ये आ गया आपका 5/30। इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, पॉजिटिव आया, इनका चेक करते हैं 30 3 × 3 = 9 माइनस 10, ये माइनस 1/30 आ गया, ये आपका इनका गेन हो गया मतलब बच्चे। और इनका भी चेक कर लेते हैं 30 3 × 2 = 6 10 ये हो गया, यानी कि -4/30 निकल के आ गया, -4/30। तो एक्चुअली ये देखो ए जो है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये यहाँ पे गेन कर रहे हैं और ये यहाँ पे गेन कर रहे हैं, ठीक है। आओ एंट्री बना लो आप, तो आपका जनरल एंट्री क्या बनेगा बताइए, आप जानते हैं कौन कौन गेन कर रहा है, बी एंड सी, तो जो गेन करेगा उनसे हम ले लेंगे, आगे आपको फायदा होगा तो आज आपको देना पड़ेगा। सीज कैपिटल अकाउंट हम इनसे भी ले लेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, और ये हम किसको दे देंगे, ए को, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, बी सी को से लेकर ए को। जरा बताओ गुडविल कितना है हमारे पास, पढ़ो जरा। सर कहता है गुडविल वैल्यू किया गया है 90,000 पे, देख रहे हो आप, गुडविल कहता है कि 90,000 पे, तो ठीक है 90,000 का जरा बताओ कितना गेन कर रहा है बी, ये देखो 1/30। सी कितना गेन कर रहा है, तो 90,000 का सी गेन कर रहा है सी 4/30, ये हो गया। और ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो 90,000 का 5/30। मेरे बच्चे ये आ गया 3,000, ये आ गया 12,000 और ये आ गया 15,000 हो गई बात। अरे हो गई बात, ऐसे क्यों देख रहे हो, कर दिया हमने आपका, यहाँ पे दिखा दिया आपका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में। अगर आपको आपका एक होमवर्क हो गया, इसको पहले वाले मेथड से कर लेना, वो टेबल एंट्री से देखना, सेम आंसर आएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में डेबिट, और फिर आप दोनों का बैलेंसिंग निकालना, यही अमाउंट निकल के आएगा, एंट्री पास कर लेना। मुझे विश्वास है एक एक बच्चे पे आप यहाँ पे गलत हो ही नहीं सकते, आपका आंसर पक्का सेम आएगा। अगर गलत आया तो कोई बात नहीं, मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा केस नंबर 1 था मेरे बच्चे, अब मैं लिख दूं केस नंबर 1, जरा पढ़ना क्या था, व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक, लिख दो यहां पे, ये था आपका व्हेन नो गुडविल, गुडविल अपीयर्स, अपीयर्स इन बुक, अगर बुक में कोई गुडविल नहीं था तो हमने ये काम कर दिया। केस नंबर 2 पे आप आइए, केस नंबर 2 के ऊपर में यहाँ भी एक फिगर चेंज करूँगा मैं आपके लिए। केस नंबर 2 के अंदर में
आप जरा चेक करो क्या बता रहा है। ये कहता है आपका, एक मिनट, मैं कुछ गलतियां करता हूँ जो उसको आपको नहीं पता, वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ हो जाती है, बस और कुछ नहीं। मेरे बच्चे केस नंबर टू सुनना। कहता है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 1,20,000। सर ये क्या है? जितने सारे क्वेश्चन अभी तक हमने किए ना, अभी तक गुडविल का, पिछली क्लास में, इस क्लास में, वो सब था मेरे बच्चे जब कोई भी गुडविल अपीयर बुक में नहीं था। सर इसका क्या मतलब होता है मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो, मैं पहले इसको मिटा दूं यहाँ पे थोड़ा सा। ओहो हो, कोई बात नहीं, है मेरे पास जगह। अब जरा आ जाओ केस नंबर टू। ये कहता है कि इस बार फेन पढ़ना क्या था, कहता है कि गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट रुपीज 1,20,000। अगर बुक में गुडविल 1,20,000 का अपीयर कर रहा था तो इसका मतलब क्या होता है आपको समझना है मेरे बच्चे। आज एक बात मेरी मजबूरी समझना, और इस मजबूरी को आप दिमाग में कहीं बैठा के रख लेना। मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा आज आपको नहीं समझाऊंगा। सर क्यों? इसका लिंक आगे है, आगे मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। आज थोड़ी सी बातें करूं, एक्चुअली है क्या मैं आपको बता दूं। देखो ये आपका यहां पे पास्ट है, पास्ट, और जरा बताओ इस क्वेश्चन में रेशियो कब चेंज हुआ है? 1 अप्रैल 2019 को, मान लो ये वो डेट है, ये कोई भी डेट हो सकता है, क्वेश्चन बताएगा। ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया फ्यूचर, आपका ये फ्यूचर हो गया। इस दिन पे जब हमने रेशियो को चेंज किया था, उस दिन गुडविल कितने वैल्यू किया हमने? 90,000। जिस दिन हमने रेशियो चेंज किया उस दिन कितने पे किया, कितना था? 90। उस दिन वैल्यू किया था बच्चे, उस दिन वैल्यू किया था। अब कहता है कि इसके पहले, इस दिन के पहले, मतलब कभी भी इस दिन के पहले, इधर पास्ट में हमने जो बैलेंस शीट बनाया था ना पहले, उस बैलेंस शीट में यहां पे पहले से एक नाम दिख रहा एसेट साइड में गुडविल का, एक नाम दिख रहा गुडविल का, और वो गुडविल कह रहा है आपका पहले से कितना? 1,20,000। आप ये डायग्राम बना लो, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। सारी बातें तो आज नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसका कुछ लिंक है बच्चे आगे, लेकिन आपको बहुत सारी बातें यहां पर समझ में आ जाएंगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, पहले इसको छोड़ दो आप। इसके पहले बताओ क्वेश्चन में हमारा रेशियो क्या था? 5:3:2। पहले हमारा रेशियो था 5:3:2। अब फ्यूचर में हमारा रेशियो क्या होगा? 1:1:1 आपका है ना। तो इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कि भैया जो हमने पीछे मेहनत किया था उसका फ्यूचर में क्या होगा, हमने क्या किया आज? गुडविल वैल्यू किया आज। मेरे बच्चे आज जो गुडविल वैल्यू किया ना, दिस इज कॉल्ड री वैल्यूड गुडविल का मतलब हुआ आज जो हमने एक्चुअल गुडविल वैल्यू किया, आज जो हमने वैल्यू किया कितने का आपका? 90,000 का। तो मेरे बच्चे बताओ पहले तो हम इससे झगड़ा खत्म करेंगे जैसे हम पहले से करते आ रहे थे। उस झगड़े को खत्म करने के लिए आप पहली एंट्री क्या बनाएंगे? जो आपने एंट्री यहां किया था, मतलब ये सारे काम होंगे तो आपने एक एंट्री किया बेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सेम एंट्री, कुछ भी नया चेंज नहीं है। फिर आपका सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू आपने क्या बोला? एज कैपिटल अकाउंट। बी का कितना है जी? 3,000। सी का कितना है? 12,000। और ए का कितना आपका यहां पे? 15,000। ये एंट्री कर लिया, मतलब मेरे बच्चे इस 90,000 से हमेशा झगड़े खत्म करने हैं। पास्ट में कैसे लेते थे, फ्यूचर में क्या होगा, उसका हमें काम करना ही करना है। ये तो एंट्री बनेगी। इसके साथ साथ एक एंट्री और बनेगी। अब पता है अगर क्वेश्चन कहता है ना कि भैया आपके बुक में गुडविल अपीयर कर रहा है, का मतलब होता है कि आज के पहले जब भी लास्ट बैलेंस शीट बना था तो उस बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा आपको, इसको हम कहते हैं ओल्ड गुडविल। ओल्ड का मतलब कि आज के पहले का गुडविल। देखो ज्यादा दिमाग को जोर मत डालना, बस सुनो मेरी बात। आज के पहले का कोई होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ओल्ड गुडविल। पता है क्या होता है मेरे बच्चे, बैलेंस शीट में अगर कोई पहले से गुडविल है
तो आपको उसको हटा देना है हमेशा, क्वेश्चन बोले तो भी ना बोले तो भी। मेरे बच्चे अगर मान लो मैं कहता हूं ना कि मेरी गुडविल 1,20,000 रुपए की है पहले से आपका, तो मेरे बच्चे अब उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर हमने आज गुडविल को वैल्यू कर लिया तो। इसलिए पहले से कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में होगी तो आपको बैलेंस शीट से हटा देना है कंप्लीटली। कैसे हटाएंगे ये सुनो, इस गुडविल को हटा दो एसेट्स से मेरे बच्चे, एसेट्स से। एसेट्स को जब भी हटाएंगे तो क्रेडिट करना पड़ता है, एसेट्स को जब भी हटाएंगे तो क्रेडिट करना होता है, यानी कि पूरे 1,20,000 रुपये जो है उसको हटा दो। और हाँ अगर कोई चीज यहां दिख रहा है ना तो मेरे बच्चे ये पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड हुआ होगा तभी बैलेंस शीट टैली करता है। अगर यहां पे 120 तो बैलेंस शीट में पार्टनर्स मिला होगा, जरा बताओ पार्टनर्स के बैलेंस शीट में किस रेशियो में मिला होगा? सर पहले रेशियो अगर 5:3:2 का था तो उसी रेशियो में मिला होगा, समझो मेरी बात। अगर इसके पहले बैलेंस शीट में कुछ भी होगा तो, और वो अगर पार्टनर्स कैपिटल मिला हुआ है तो ओल्ड रेशियो में मिला होगा बच्चे, जो पहले रेशियो था हम उसी रेशियो में हटा देंगे। यानी कि हमें क्या करना होगा, मुझे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे, एबीसी, तो मैं एज कैपिटल को डेबिट करूंगा, एज कैपिटल डेबिट करूंगा। मैं यहां पे बीज कैपिटल डेबिट करूंगा, बीज कैपिटल डेबिट करूंगा, और मैं सीज कैपिटल तीनों ही पार्टनर के अकाउंट से हटा दूंगा। मतलब यहां से गुडविल हट गया और यहां पे एबीसी का जो पार्टनर है मेरे बच्चे वो भी कम कर दूंगा, जिस रेशियो में आपने ऐड किया होगा 5:3:2। तो यहां पे कितना आ गया 60,000, यहां कितना आ गया 36,000, और यहां कितना आ गया 24,000। और लिख दो यहां पे नरेशन इसका कि बीइंग ओल्ड गुडविल, जो पहले से गुडविल है, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब बुक से हटा देना, रिटर्न ऑफ अमंग ऑल ओल्ड पार्टनर्स, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो आपका, उसमें हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे। लो मेरा काम पूरा हो गया। तो ओल्ड गुडविल जो है मेरे बच्चे, आज तो आप दिमाग में सिर्फ इतना बैठा लीजिए कि जो भी ओल्ड गुडविल पहले से कहेगा क्वेश्चन में कि भैया पहले से अपीयर है, अब गुडविल नाम बैलेंस शीट में दिखाना अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, आपके साथ बातें होंगी मेरे बच्चे। लेकिन याद रखना अब आपके पास पहले से कोई गुडविल अगर है तो पहले आप उसको हटा दीजिए, और आज जो गुडविल वैल्यू किया गया हम उसी झगड़े को खत्म कर लेंगे, घाटा फायदा आपस में एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये बात आपको पूरी बात समझ में नहीं आई तो बस आप मेरी एक बात मान लेना, इसका मतलब हुआ कि इस दिन के पहले गुडविल कुछ भी कहता है कि अपीयर है, मतलब वो ओल्ड गुडविल होगा। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हटा देंगे, क्योंकि ओल्ड गुडविल जो पहले से है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रहा होगा, ओल्ड रेशियो में रहा होगा, हम उसको हटा देंगे। फिर ये काम जो करते आ रहे थे वो तो करेंगे ही करेंगे, आपका ये काम आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। बात इस पर और सारी होंगी, लेकिन मेरे बच्चे आज तो हमें बस इतनी ही बातें करनी है, आज इतनी बातें करनी है। अगली क्लास में इस चैप्टर में और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, हम उनका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ तक का प्लीज़ आप अच्छी तरीके से रिवीजन करके रखें। नेक्स्ट टाइम जो मिलूँगा इसके आगे की बातें करूँगा, तब तक आप सबको मेरे बच्चे सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू जी, थैंक यू।